हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल जुबर में। बिहार के मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना में पुलिस की ओर से लाठीचार्ज से लेकर फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चुनावी घमासान के बीच मुंगेर की पुलिस कप्तान लिपि सिंह भी अब लोगों के निशाने पर आ गई हैं। आइए जानते हैं मुंगेर जिले की एसपी आईपीएस लिपि सिंह कौन हैं, आखिर क्यों वो इस मामले के बाद विवादों में गिर गई हैं। 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर लिपि सिंह बिहार की ही रहने वाली हैं। वो अपनी ट्रेनिंग से लेकर अब तक कई मामलों से चर्चा में आ चुकी हैं। वो अपने पुलिस अभियानों से भी सुर्खियों में रही हैं। उनके पिता आरसीपी सिंह भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। उनके पिता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी कहा जाता है। मुंगेर में पहले चरण के मतदान से पहले हुई इस घटना के बाद से लोग उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना में पुलिस नाकाम रही है। मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले की रहने वाली लिपि सिंह के पिता जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सांसद हैं। अपने पिता की तरह ही लिपि सिंह ने भी प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। यही नहीं, लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत भी आईएएस ऑफिसर है। वो वर्तमान में बांका के जिलाधिकारी हैं। अब लिपि सिंह को लेकर चर्चा हो रही है कि चुनावों के दौरान नेताओं के रिश्तेदार और करीबियों को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह का ट्रांसफर नहीं किया गया। ऐसी भी चर्चा है कि ट्रेनिंग के बाद ज्यादातर पोस्टिंग में वो अपने पिता आरसीपी सिंह के आसपास ही रही हैं। इस चुनाव में दोनों पति पत्नी को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। अब राजनीतिक दल ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जानते हुए भी कि दोनों आरसीपी सिंह के रिश्तेदार और नीतीश कुमार के करीबी हैं, फिर भी इन्हें ड्यूटी पर क्यों लगाया गया। इससे पहले पिछले साल लिपि सिंह मोकोमा जिले के बाहुबली और निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पर कार्रवाई करके चर्चा में आई थी। विधायक के गांव के घर में एक AK-47 बरामद हुई थी, जिसके बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। उस समय अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि आरसीपी सिंह के इशारों पर लिपि सिंह ने उन पर कार्रवाई की है। इस घटना के बाद आईपीएस लिपि सिंह को एएसपी से प्रमोट करके मुंगेर का पुलिस कप्तान बनाया गया था। मंगलवार को बिहार के मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस कार्रवाई से वो चर्चा में आ गई। ये कहा जा रहा है कि इस घटना में पुलिस पर हमला हुआ, इसमें थानेदार का सिर फटा और 20 पुलिस वाले घायल हुए और एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। खबर के मुताबिक विसर्जन के दौरान गोली चली, जिसमें 5 स्थानीय लोग घायल हो गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पथराव किया और फायरिंग की। इस बवाल में 17 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को निर्देश दिया था कि वे 26 अक्टूबर की शाम तक विसर्जन कर लें। शहर के पंडित दीनदयाल चौक के पास शंकरपुर की प्रतिमा को विसर्जन के लिए पुलिस द्वारा कहा गया, जिसको लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों में कहासुनी हुई। इतने में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस फायरिंग में 18 वर्षीय अनुराग कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस गोलीबारी में 5 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनका इलाज मुंगेर के सदर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की फायरिंग में युवक की मौत हुई है। बहरहाल घटना के बाद दीनदयाल चौक और आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। आपको आईपीएस लिपि सिंह के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।